गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है प्रकाश श्वसन अर्थात फोटो रेस्पिरेशन। तो प्रकाश श्वसन में क्या होता है? प्रकाश श्वसन सभी हरे पादपों में पाया जाता है और प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली सामान्य अभिक्रिया, जैसे प्रकाश संश्लेषण होता है उसी प्रकार से प्रकाश श्वसन भी होता है। इस क्रिया में श्वसन की समान भोजन या भोज्य पदार्थ का विघटन तो हो जाता है। भोज्य पदार्थ है यानी जो कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट बनता है उसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन यानी कि ऑक्सीकरण तो हो जाता है, परंतु ऊर्जा मुक्त नहीं होती है। भोजन का ऑक्सीकरण तो हो जाता है परंतु ऊर्जा मुक्त नहीं होती है, इसी कारण इस प्रकाश श्वसन को क्या कहा जाते हैं? नष्टकारी अभिक्रिया। प्रकाश श्वसन एक नष्टकारी अभिक्रिया है, क्योंकि भोजन का अपघटन हो गया तो भोजन तो नष्ट हो गया लेकिन ऊर्जा मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऊर्जा नहीं मिलती है। इन दिस प्रोसेस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन। इन दिस प्रोसेस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इट मीन फूड मटेरियल्स आर ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन बट एनर्जी इट इज नॉट रिलीज्ड बट एनर्जी इज नॉट रिलीज सो इट इज कॉल्ड डेस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। प्रकाश श्वसन शिथिली पादपों में पाया जाता है। फोटो रेस्पिरेशन अकर्स इन C3 प्लांट्स। इस क्रिया में CO2 की अधिकता में रूबिस्को जो एंजाइम है रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज CO2 को RUBP से जोड़ता है। अपन साइकिल को देख सके CO2 को RUBP से जोड़ता है और ऑक्सीजनेज की तरह कार्य करता है। रूबिस्को रूबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज की तरह कार्य करता है। यह क्रिया जो हरद्रावक होता है उसमें परोक्सीसोम में और माइटोकॉन्ड्रियम तीनों में संपन्न होता है और इस प्रक्रिया के तहत सबसे पहले दो कार्बन युक्त एक पदार्थ युक्त यौगिक ग्लाइकोकोलेट का निर्माण होता है बनता है, इसीलिए इसे C2 या ग्लाइकोलेट चक्र कहा जाता है, या तो C2 या फिर ग्लाइकोलेट चक्र कहा जाता है। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन C3 प्लांट्स। इन दिस प्रोसेस एक्सेस CO2 एक्स्ट्रा CO2 received by Rubisco enzyme. Here, this enzyme, Rubisco enzyme, acts as oxygenase enzyme. This reaction complete in chloroplast, peroxisome and mitochondria. It form first two carbon compound glycocholate. This process first form two carbon compound glycocholate. So, this is also called C2 cycle or glycocholate cycle. Next अपना क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय चक्र। क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकल, क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय चक्र के इस चक्र के दौरान क्या होता है तो हम जानेंगे।
त्रिशूलेशियन अम्ल उपापचय चक्र मास लोध भिद शुष्कोध भिद पादपों में पाया जाता है। अर्थात जो अपना ज्यूरोफिटिक प्लांट है मरुद्भिद पादप, जिसमें से भी जो गूदेदार तने और पत्तियां जिसमें पाई जाती हैं, उनको बोलते हैं मास लोध भिद, और शुष्क वातावरण में पाया जाता तो शुष्कोध भिद। उन पादपों में त्रिशूलेशियन अम्ल उपापचय चक्र पाया जाता है, और ये चक्र चूंकि दिन में रंध्र बंद रहते हैं, क्योंकि शुष्क वातावरण पाया जाते हैं दिन में रंध्र बंद होते हैं, रात्रि में खुलते हैं, तो रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक अम्ल के रूप में संचित कर लेते हैं। ऐसे पादप रात्रि में जब रंध्र खुलते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ग्रहण करके उसको कार्बनिक अम्ल में बदल कर संचित कर लेते हैं, और दिन के समय जब रंध्र खुलते हैं तो डीकार्बोक्सिलीकरण होता है, तो डीकार्बोक्सिलीकरण में कार्बनिक अम्ल से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, तो निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग ये केल्विन बेंसन चक्र के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में कर देते हैं। त्रिशूलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म CO2 एंटर इन C3 एंड C4 प्लांट बिकॉज स्टोमेटा आर ओपन एंड दैट टाइम रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इज मैक्सिमम। त्रिशूलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म जनरली टेक प्लेस इन सुकुलेंट प्लांट एंड ड्राफ्ट एनवायरमेंट प्लांट। त्रिशूलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म इज फाउंड इन द सुकुलेंट प्लांट एंड ड्राफ्ट एनवायरमेंट प्लांट। दिस प्लांट एब्जॉर्ब CO2 इन नाइट टाइम इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड एंड डे टाइम CO2 इज यूज्ड विच इज रिलीज्ड बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड एंड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इट अकर्स बाय कैल्शियम बेंसन साइकिल। नेक्स्ट पैराग्राफ में इट इज ए टाइप ऑफ फूड फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। इट इज ए टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन इन सुकुलेंट एंड ड्राफ्ट प्लांट्स इन विच फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक सबस्टांस विदाउट लॉस ऑफ वाटर। इन विच ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स है आर फॉर्म विदाउट लॉस ऑफ वाटर। ये जो पथ है मध्यविधि और शुष्कोविधि पादपों का, तो एक प्रकार का ये क्या है, अनुकूलन है, कार्यकीय अनुकूलन, जो बिना जल हानि के कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर लेता है, क्योंकि दिन में रंध्र बंद रहेंगे तो जो जल है वाष्प रूप में उड़ेगा ही नहीं, तो बिना जल हानि के ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लेता है, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण। चूंकि इसका अध्ययन, इस चक्र का अध्ययन सबसे पहले क्रेसुलेसी कुल है पादपों का, एक बीज पत्रियों का उसका गण है क्रेसुलेसी कुल के पादपों में किया गया था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय चक्र। दिस साइकिल इज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व्ड इन क्रेसुलेसी प्लांट। इट इज द फैमिली, इट मीन इट इज द ऑर्डर, इट इज द फैमिली ऑफ मोनोकोटिलेडन्स प्लांट। सो दिस साइकिल इज नोन एज क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। द मेटाबॉलिज्म मेथड इज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडीड इन क्रेसुलेशियन फैमिली ऑफ मोनोकोटिलेडनस प्लांट, हेंस इट इज कॉल्ड क्रेसुलेशियन मेटाबॉलिज्म। तो ये आपके दो पॉइंट हो गए, एक तो फोटो रेस्पिरेशन हो गया और एक हो गया क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। फिर आपके प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक है, इनको आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। तो ये छोटे छोटे टॉपिक है, तो ऐसा कोई अपना वो है नहीं है।
आज के लिए पर्याप्त है, छोटा सा टॉपिक था आपका, ठीक है ना। फिर चैप्टर का ये हो जाएगा प्रकाश संसद करने वाले कारक, वो आप लोग खुद पढ़ लेना, ठीक है बेटा।